ओ जी, क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बन के जो आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद आपको साल 2006 में आई पारिवारिक फिल्म विवाह की याद तो जरूर आई होगी, जिसमें काम करने वाले हर एक कलाकार ने अपना अहम योगदान इस फिल्म में दिया था। इतना ही नहीं, ये घर गृहस्थी पर आधारित उन फिल्मों में से एक है जो आज भी सभी घर घर देखना खूब पसंद करते हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब ताबड़तोड़ कमाई की है। लेकिन दोस्तों, आप इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ये फिल्म कैसी रही है, इसे दर्शकों ने कितना पसंद किया? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके 5 अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपको शायद ही पता होंगे। लेकिन इससे पहले आप इस दमदार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 1, विवाह फिल्म 10 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी, जो रोमांटिक फिल्म होने के साथ साथ इमोशनल ड्रामा और पारिवारिक फिल्म थी। आपको बता दें कि इस फिल्म का कुल बजट 80 मिलियन INR था, जिसे सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनाया गया था, जो कि पहले भी हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। नंबर 2, भले ही इस फिल्म में शाहिद और अमृता एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन इन्होंने पहले भी और कई सारी फिल्मों में काम किया था, जिसके चलते दर्शकों ने इन्हें लेकर ये दावा किया था कि ये दोनों रियल लाइफ कपल हैं। पर अमृता ने इस फिल्म के जरिए इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि वो दोनों सिर्फ ऑन स्क्रीन लोकप्रियता से जुड़े हैं, हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। शाहिद जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। नंबर 3, इसी के साथ आपको बता दें कि फिल्म हम आपके हैं कौन की तरह इस फिल्म को लेकर भी शुरू में फ्लॉप होने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी, क्योंकि इसमें अनुपम खेर ने पिता के रूप में जहां अपना अच्छा योगदान दिया था, वहीं आलोक नाथ ने भी एक आदर्श चाचा और पिता की भूमिका निभाते हुए इस फिल्म को लोकप्रिय बनाया था। लेकिन ये बात शायद ही आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच काफी पहले से ही इतनी गहरी दोस्ती है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी दूसरी फिल्मों को ऑफर ठुकरा दिए थे। नंबर 4, इस फिल्म से जुड़े एक और फैक्ट की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि फिल्म के मुख्य कलाकारों ने अपनी फिल्म के प्रचार के लिए मुंबई के मलाड के फेम थिएटर में टिकट बेचे थे। शायद यही एक वजह थी कि शाहिद कपूर और अमृता को इस फिल्म से गहरी की सफलता मिली थी, जहां लोगों ने उन्हें प्रेम नाम से जानना शुरू कर दिया था। वहीं अमृता राव पूनम के नाम से घर घर में मशहूर हो गई थी। नंबर 5, वहीं इस फिल्म के 5वें फैक्ट के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि जब इस फिल्म के सुपरहिट गाने हमारी शादी के अभी बाकी है हफ्ते 4 की शूटिंग एरोप्लेन में की जा रही थी, तो इस गाने की शूटिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता था। इसीलिए मेकर्स को आगे के ऑर्डर लेने का इंतजार 2 दिन तक करना पड़ा था, तब जाकर इस गाने की शूटिंग पक्की करवाई गई थी। तो दोस्तों, आपको विवाह फिल्म से जुड़े इन फैक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।